guys, welcome back to my YouTube channel. So today's vlog will be about a road trip from Leh to Kargil. So yeah, हम लोग निकल चुके हैं और कितने किलोमीटर ऑलमोस्ट यहाँ से 240-250 किलोमीटर्स है, बट पहुँचने में ऑलमोस्ट 4-5 घंटे लग जाते हैं और हम रुकते रुकते जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस रोड ट्रिप में आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं जहाँ आप रुक के थोड़ा बैठ सकते हो, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, एंड इस रोड की ब्यूटी क्या है। सो यू आई कीप यू अपडेटेड, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच माय व्लॉग। I bet you guys that if you have not visited Ladakh, you have not experienced the eternal beauty of incredible India. As you drive down on this road from Leh to Kargil, you would find each and every view extremely mesmerizing. आपका मन करेगा कि हर जगह रुक के फोटो क्लिक कर ही लो। You will be shooting for entire 5-6 hours. That's true. So I would suggest you some points where you must mandatorily stop to get some photo click. आप जैसे ही ले से निकलते हो सबसे पहले पड़ता है पत्थर साहिब। What's the story behind it? बड़ी ही यूनिक है। और हाँ, यहाँ आप आते हो ना तो यहाँ की चाय जरूर पीकर जाना। हम लोग अभी अंदर नहीं जा रहे हैं, आते वक्त जाएंगे, बिकॉज माय ड्रेसिंग इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द गुरुद्वारा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आते वक्त जाएंगे। राक्षस था ना, वो यहाँ बैठता था और लोगों पर पत्थर फेंकता था। एकदम हाइट पे बैठा था क्या? एकदम हाइट पे, और वहाँ से नीचे फेंकता था ना। अच्छा, गुरु नानक जी ने क्या किया? उसको न्यूट्रलाइज किया, उसको नॉर्मल किया, जिसे आप बता रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फॉर्चुला से होते हुए कारगिल, और जो फॉर्चुला है वो यहाँ की मतलब इस रोड की हाईएस्ट पीक होगी। I mean that is highest peak on the way from Leh to Kargil. That's what I'm saying. Yeah, this is around 16,000 feet. 16,000 feet, और अभी Leh कितना है? Leh is around 10,600. Around. Khardungla is around 18,000. Khardungla सबसे highest है क्या? Highest now is earlier Khardungla was highest road pass, now Umingla. Umingla. Which is at around 22,000 feet. That's nice. So 22,000 feet Umingla is the highest now. Earlier Khardungla used to be the highest, more trip and road in the world. Of mountains which are unexplored till date. I agree. So this is magnetic hill. आप जैसे गुरुद्वारा में मत्था टेक के निकलते हो, यू विल सी द मिस्टीरियस मैग्नेटिक हिल, जो आपने देखा होगा आजकल इंस्टा रील्स में बड़ा ही वायरल है। इवन आई वंडर्ड कि व्हाट मेक्स द व्हीकल मूव ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स दिस मैग्नेटिक हिल। मैंने रिकॉर्ड भी किया है, यू कैन सी दिस।
इनोवा मूविंग टूवर्ड्स द हिल, यहाँ आपको कैफे भी मिल जाएंगे वे यू कैन हैव सम स्नैक्स एंड यू कैन ऑल्सो राइड सम एटीवीज हियर. ज़्यादा टाइम मत लगाना, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स, बिकॉज आगे इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह है. मैग्नेटिक हिल के अराउंड 1 किलोमीटर आगे आपको ये पॉइंट मिलेगा, आप रुक के इस व्यू का मजा ले सकते हो और काफी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो. जस्ट लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज. अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर दूरी पर जहाँ आएगा संगम. यहाँ एक्चुअली जंस्कार और इंडस रिवर आकर मिलती है. आपको संगम पहुँचने के लिए ले कारगिल हाईवे छोड़ना पड़ेगा एंड द मोमेंट यू सी अ डेजिग्नेशन बोर्ड ऑफ निम्मू विलेज, वहीं से एक सड़क नीचे की तरफ जा रही होगी. जस्ट टेक अ यू टर्न एंड ड्राइव डाउन, बस आपको संगम दिख जाएगा. इट्स अ वेरी काम एंड सूदिंग प्लेस. आराम से बैठो यहाँ और एंजॉय द साउंड ऑफ द रिवर. So guys, we are at Sangam and as you can see the blue river, the clear one is Zanskar and the black water one is Indus. Abhi iska reason to mujhe nahi pata ki in dono ke pani mein itna difference kyun. Aur yahan pe aap dekh sakte ho mast point hai, kya view hai, mast pictures le sakte ho. Aur ye jitne bhi points hai aapko around 10 kilometers mein cover ho jayenge. Mast visit hai. यहाँ पर बढ़िया रिवर राफ्टिंग होती है एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग पॉइंट. और यहाँ पर आपको ये कैफ़े भी मिल जाएगा इन केस आप भूखे हो, कुछ खाना है तो. वैसे यहाँ कैफेज हर जगह पे नहीं मिलते हैं, बहुत छोटी मोटी जगह है और कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जो मतलब जो बहुत ज़्यादा वैसे हैं, मतलब फेमस व्यू पॉइंट्स हैं, वहीं आपको कैफ़े मिलेंगे. हाँ, और ये है यहाँ पर जितने भी रोड्स हैं वो BRO ने बनाए और एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है BRO एट योर सर्विस, फ्लाइट टू द नेशन, होप यू एंजॉय द राइड. और इनका ये प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट योजक. आई एम श्योर आपको यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं करेगा, बट स्टिल चलती का नाम जिंदगी है तो बस आप वही रास्ता फॉलो करो एंड जॉइन बैक द ले कारगिल हाईवे. वहाँ आपको काफी सारे म्यूल्स भी दिखेंगे, उनको रिकॉर्ड पक्का करना. अभी पता नहीं क्या है बट बढ़िया सा कंस्ट्रक्शन है. यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है एक्चुअल चढ़ाई और हम जा रहे हैं पीक पर, और पीक से फिर नीचे उतरेंगे है ना, पॉटी वाला सीन है, हम लोग नीचे उतरेंगे. अब आपको पड़ेगा यहाँ से नेक्स्ट निम्मू विलेज विच इज लाइक अ वेरी स्मॉल टाउन एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट होती है चढ़ाई. यू विल कंटिन्यूअसली क्लाइम नाउ टिल फॉर्चुला पास विच इज द हाईएस्ट पास ऑन दिस रोड. अरे हाँ, मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई, यहाँ रिवर राफ्टिंग के साथ जिन लोगों को एडवेंचर करने का मन है उन लोगों के लिए यहाँ बंजी जंपिंग भी है, तो यहाँ पर आप बंजी जंपिंग के मजा ले सकते हैं. बात करता है सासवोल, यहाँ आप ट्रैक करके नीचे उतर सकते हो एंड यू कैन पार्ट लॉन्ग साइड बैंक ऑफ इंडस. हमने नहीं की बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड द ब्यूटी ऑफ दिस रोड इज यू विल सी ऑल काइंड ऑफ माउंटेन्स एंड आपको बीच में ग्रैंड कैनियन वाला फील भी आएगा. यहाँ पत्थरों को देख के मेरे को एंजाइटी हो रही है, कहीं से कोई टपक गया ना तो गए फिर. नहीं बट यहाँ पे जनरली यू नीड टू वॉच आउट फॉर मतलब शूटिंग स्टोन्स. जब भी चला रहे हो गाड़ी तो 100 मीटर 200 मीटर देख लोगे कहीं से. अरे कभी ध्यान नहीं रहा तो ध्यान देना है ना, तभी तो तुम यहाँ दिल्ली में थोड़ी घूम रहे हो ध्यान नहीं रहेगा. यार यहाँ ना एक बड़ी गंदी दिक्कत है, आपको डीजी और प्यूकिश फील हो सकता है इफ यू हैव मोशन सिकनेस. मुझे तो वॉमिटिंग हुई थी. नेवरदलेस द व्यू वाज सो मेस्मराइजिंग, एवरीथिंग सीन स्मॉल बिफोर दैट. यहाँ ना हर व्यू वैसे ही लग रहा था जो हम बचपन में वो ड्राइंग नहीं करते थे, लैंडस्केप बनाते थे, माउंटेन्स, रिवर्स, ट्री, वैसा ही सब कुछ था यहाँ पर. आई एम इन लव विद दिस प्लेस. आपको मैं
दर्द हो गया मेरे। चालू हो मेरा दिल और तुम हो यहाँ। यार आप जब ड्राइव करोगे ना, यू विल सी रिवर रनिंग नेक्स्ट टू द रोड एंड यू विल फील लाइक गोइंग डाउन एंड एंजॉयिंग, बट प्लीज अवॉइड करना बिकॉज दैट्स लिल रिस्की। आप अगर ये करना चाहते हो तो सासपोल इज द राइट प्लेस। मैं तो एडवाइस करूंगी जस्ट पुट ऑन सम गुड म्यूजिक एंड एंजॉय द राइड। और हाँ, गाने डाउनलोड करके रख लेना बिकॉज इंटरनेट यहाँ आता जाता रहता है। और हाँ, इट्स अ वेरी वेरी गुड रोड, तो आप बाइक से भी कर सकते हो। वो अलग बात है कि आई डोंट प्रेफर बाइक मोर बिकॉज आई फील लाइक कार इज चलता फिरता घर, सेफ भी फील होता है और कुछ भी सामान पटक के फटाफट चल सकते हो। ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, तो मुझे तो सब रखना होता है। तो यहाँ पे आप मतलब ऑन वे टू कारगिल वो भी ले सकते हैं, यहाँ से केबल मिल जाएगी। दिस इज अराउंड 80 किलोमीटर्स कहाँ से फ्रॉम वेयर विल यू टेक इट, कहीं भी मिल जाएगी केबल, इजी हो जाएगा। कोई रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कारण फोन भी चार्ज हो जाएगा। ये देखो जनरल स्टोर है। अभी तुम कारगिल जाओगे ना? ऐसा ही क्या? मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है और इसमें ना केबल नहीं, मतलब यूएसबी वाला केबल लगेगा और मेरा सी टाइप है, तो हम स्टॉल में ढूंढ रहे हैं केबल। कॉस्टली मिलता है डबल ट्रिपल रेट में या हर चीज बहुत कॉस्टली है भाई। तो अपना जितना भी फोन का केबल्स है, यूएसबी सी टाइप्स, अपने घर से रीस्टॉक मतलब स्टॉक करके चलो, क्योंकि यहाँ पर आपको मतलब मुंह मांगा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो बस टूरिस्ट देके ना एकदम चालू हो जाते हैं फाड़ना। और उनकी गलती भी नहीं है यार, क्योंकि 4 महीने का तो इनका सीजन होता है जिसमें इन लोगों की कमाई होती है, तो मैं उनको गलत तो नहीं बोलूंगी, बट इतने पैसे देना हमारे लिए भी सही नहीं है। इन क्यों फोकट का पैसा देना है, इसलिए घर से सब स्टॉक करके आओ। और क्या बताना है, क्या बताऊँ और इतनी पानी नींद में हूँ यार, मेरे तो मेरी आँखें छोटी छोटी आँखें बहुत दर्द कर रही है। फिर भी दर्द कर रही है। एक ही अभी तक मार्केट पड़ी है, वो भी इसी गांव में, मतलब ये जो छोटा सा विलेज था खलसी। तो आपको यहाँ पे फ्रूट व्रूट खाना पीना थोड़ा बहुत, बाकी थोड़ा बहुत अगर कुछ जनरल आइटम कुछ चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा। बाकी इससे पहले ले से निकलने के बाद तक अभी तक कोई ऐसा मार्ट नहीं पड़ा था मतलब मार्केट। भाई यहाँ पे गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना है, हर जगह ब्लाइंड कर्व्स है, तो अगर आप गाड़ी से आ रहे हो, कार से आ रहे हो, तो मेक श्योर यू ड्राइव सेफ। ओह प्रो ड्राइवर, कितने प्रो ड्राइवर, किसने सिखाई तुम्हें गाड़ी? मैं खुद सीखा भाई, भगवान से डर लगता है थोड़ा बहुत। गुरु से तो आगे निकल गया ना, तुमसे क्या गुरु से आगे निकल, चेला चेला ही होता है, ठीक है? चेला नहीं होता, ठीक है, चेला चेला ही होता है। अरे यार आई जस्ट हेट सीट बेल्ट्स, अब मैं आगे नहीं हो पा रही हूँ। हाँ तो मैं ये बता रही थी ना आपको, इस रोड पे हर तरह का टेरेन मिल जाएगा, मतलब पथरीला प्लेन, ग्रीनरी, स्नो, और क्या क्या मिलेगा। टेरेन तो नहीं मिलता, टेरेन तो माउंटेनियस ही है, बट डिफरेंट काइंड ऑफ माउंटेन मिल जाएंगे, बट बीच में प्लेन्स भी तो मिले थे हमें। दैट वाज नॉट प्लेन्स, दैट वाज वैली। अच्छा, मतलब मेरे को ज्योग्राफी की क्लास लेनी पड़ेगी पहले। चलो ठीक है, मतलब समझ गए ना आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी है कोई वाले माउंटेन चालू हो जाएंगे, पत्थर वाले बिल्कुल जैसे दिखाते हो, से मिट्टी वाले हैं ये पत्थर वाले आगे जो चालू होंगे। जगह यार, यहाँ एक बार सबको जरूर आना चाहिए यार। और फोकट इधर उधर बाहर जाके पैसा बिगाड़ने से तो अच्छा है कि आप इंडिया अच्छे से घूम लो। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया तो एक्सप्लोर किया नहीं, बाहर का बस चस्का लग गया है, यहाँ घूम लो वहाँ घूम लो। भाई बहुत कुछ है घूमने के लिए। हाँ भाई, मैंने तो पहली बार बर्फ देखी, इससे पहले तो मैंने उसमें देखी थी फ्रिज में, हमारे फ्रीजर में। तुम्हारा एहसान है जो तुमने हमें बर्फ दिखा दी। कर दी ना लोल वाली बात, लोल वाली क्या, इसके पीछे वो लगा देना यूट्यूब में ना वुमेन वाला।
बात ही ऐसी कर रहे हो, उज्जैन में तो दिखी नहीं होगी बर्फ, तो उज्जैन में क्यों दिखेगी बर्फ? तो बात ही तुम ऐसी कर रही हो। मैं क्या कैसी बात कर रही हूँ? लॉजिकल बात है। लॉजिकल क्या है उसमें? पूछ लिया तो मतलब एक क्यूरियस बच्चे की ना ज्यादा ना वो होता है ना जिज्ञासु बच्चा बनना भी गलत हो जाता है कभी कभी, और मेरे को तो हर चीज में ना क्वेश्चन दिखता है, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और मेरा आदमी मुझे इरिटेट हो जाता है। तो अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है द वेरी फेमस मूलिन की तरफ। ये एक विलेज है लमायरू, एंड बिलीव मी हम कल्पना चावला या नील आर्मस्ट्रांग तो है नहीं, तो अगर आपको मून सरफेस जैसा कुछ देखना है देन दिस इज द ओनली प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड। आप यहाँ फुल मून लाइट में आओ, यहाँ की पूरी सरफेस मून लाइट से ग्लो करती है। सोचो आप अगर यहाँ फुल मून लाइट पे आओगे तो क्या ही नज़ारा होगा। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ द मून लैंड। लोगों को ऐसा लगता है कि मून की सरफेस से रिजेंबल करते हैं, इसलिए इसका नाम मूनलैंड रख दिया है। वैसे काफ़ी हद तक मुझे भी लगता है कि हाँ रिजेंबल करता है। ये पॉइंट है जो कौन सा प्लेस था, खिलसी ना, खिलसी के बाद आएगा, खिलसी के ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर आगे है। दिस इज अराउंड 15 किलोमीटर्स टू फोटला। गाड़ी लगा रखी डेवो के लिए ताकि आप ढंग से गाड़ी चलाओ। सी द मून लैंड कितना प्रीटी लग रहा है, यहां से यहां से लेते हैं यार। मैं जिस पे टंगी हूं ऊपर वाले कितनी पीक पर बना रखा है भाई, वो तो वो देखो एडजस्ट पे बनाया हुआ है एकदम। ये फोर्ट है क्या? हां फोर्ट, सीम्स लाइक फोर्ट, इट मस्ट बी अ फोर्ट या कोई राजा होगा। क्या सर इस विलेज का क्या नाम है? लमायरू। एक मिनट के लिए लगा था ये रियल याक है, बट उसके बाद जब मैंने पास आके देखा तो लगा कि भाई ये तो नकली है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। असली की नकली? असली तो ही है obviously। I was actually wondering क्या कितने ही लोग रहते होंगे, hardly 400-500 लोग में तो गांव बन जाता होगा। 400-500 में ज्यादा बोल रही हूं, 400-500 में तो यार प्लेन्स में बन जाता है। हां एग्जैक्टली, यहां तो मतलब 100-150 लोगों में गांव बन जाता होगा। ये देखो गाइस ये एक पॉइंट है अराउंड 5-6 किलोमीटर आगे मूनलैंड के, यहाँ पर आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। और यहाँ मस्त बीच है क्या, लमायरू के जस्ट आगे जो मैंने लास्ट टाइम को विलेज बताया था ना जहाँ याक देखा था उसके जस्ट 5-6 किलोमीटर आगे है। यहाँ हम जा रहे हैं फोर्टुला, और यहाँ से कितना है फोर्टुला? बर्फ खाते हैं ये, तो फिर वहाँ क्या ही मिल रहा होगा? ये ऑलमोस्ट पीक पर है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था दिस इज 18,000 फीट, 16,000 हो गया, सो दिस इज करेक्शन, ये 13,479 फीट है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑन ले श्रीनगर रोड। यार ऑनेस्टली मुझे ना फोर्टुला थोड़ा ओवर हाइप लगा, यहाँ बस आप इस साइन बोर्ड के सामने फोर्टुला वाले उसके सामने रुक के पिक्चर विक्चर क्लिक करके निकल जाओ, बस इससे ज़्यादा यहाँ कुछ है नहीं। फोर्टुला के अराउंड 6-7 किलोमीटर आगे पड़ता है नामकीला, और ये फोर्टुला से ज़्यादा सुंदर है, तो आप यहाँ रुक कर फोटो वोटो क्लिक कर सकते हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, और बस फिर क्या, फिर निकल जाओ। और ये जो नामकीला पड़ता है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये देखो साइन बोर्ड, और यहाँ हम आ चुके हैं। और हाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गई, कारगिल में एंटर करने से पहले आपको एक पुलिस चेक पोस्ट मिलेगा, वहाँ पुलिस वाले परमिट चेक करते हैं अगर आप पर्सनल गाड़ी से आए हो तो, वो पक्का करा लेना ले में है।
4 किलोमीटर्स और मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मेरी खुद घूम घूम के मेरी तबीयत खुद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी जस्ट वॉमिटिंग किया, मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया है, तो मैंने सोचा मुझे फिर याद आया कि मेरा ब्लॉग अधूरा है, इसको पूरा करना है, तो फिर मैंने फ़ोन उठा लिया। You can also take a halt at Alji, which is like a very small village and it houses the oldest monasteries of Ladakh region. And the paintings are of 11th and 12th centuries and they are very very unique. But you won't see other monasteries around Leh. Baki yahan kuch resorts bhi hain, if you are very tired to yahan ruk sakte ho. But I would advise to continue drive and maybe take a halt at Kargil. और जहाँ से आपको ज़्यादा ग्रीनरी दिखने लगे समझ जाना कारगिल पास है। पर्सनली मुझे कारगिल ज़्यादा सुंदर लगा, जैसे कारगिल हैज़ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, कारगिल ऑन द एंट्री हैज़ मुस्लिम मेजॉरिटी, तो आपको यहाँ मॉस्क ज़्यादा दिखेंगे और लेह में ऑब्वियसली आपको जगह जगह कालचक्र और मोनास्ट्रीज दिखेंगी। अब मेरी मंजिल तो पास आ ही गई थी और शुभ भी इरीटेट हो गया था, तो मैंने ब्लॉग बंद कर दिया। अब मैं आपको अगले ब्लॉग में घुमाऊँगी कारगिल। बस 2 मिनट में एंटर करने वाला हूँ। तो फाइनली हमारे 5.5 घंटे की जर्नी ख़त्म होती है और हम पहुंच गए हैं कारगिल। एंड दिस इज़ आर स्टे फॉर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इफ़ यू लाइक दैट प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड विद सच व्लॉग्स। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।